ये धुआँ धुआँ सा रहने दो मुझे दिल की बात कहने दो मैं पागल दीवानी तेरी मुझे इस धुएँ की आग में जलने दो तीन सौ चौंतीस आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है और आज लाहौर जो है दुनिया में फिर से दूसरे नंबर पर आ गया है और स्कूल वालों आप लोगों ने स्कूल खोल दिए हैं रियली हाँ कूल ये वाह मुझे लगा कि फ़िजा साफ हो गई है सब कुछ बेहतर हो गया है स्कूल वालों को भी लगा उनके इंतज़ामिया ने स्कूल खोल दिया आज आज स्कूल का पहला दिन है और ये हाल है तो मैं ये कह रही हूँ कि आज नंबर दो पे कल हम नंबर एक पे होंगे तो ये पूरी दुनिया में जो हम नंबर वन नंबर टू की दौड़ में लगे हुए हैं और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तरीके से सेट होने का नाम नहीं ले रहा दो दिन की धूप लगती है मगर हालात बेहतर नहीं होते मगर हमें लगता है कि हालात बेहतर होंगे आज स्कूल खोल दिया यार ना खोलें स्कूल बंद कर दें प्लीज़ अच्छा खासा लॉकडाउन लगा हुआ था फिर क्या हो गया थ्री थर्टी फोर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये मैं आपको एवरेज बता रही हूं अभी अगर आप लाहौर के दूसरे इलाकों में जाकर देखें ना जो गुलबर्ग का इलाका है उधर फाइव थर्टी नाइन पाँच सौ उनतालीस एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो सबसे बिजी इलाका है लाहौर का उसके बारे में सोचें ज़रा जेल रोड को देख लें चार सौ दो उधर है ठीक है सिविल लाइन के पास नहीं है चार सौ तिरपन उधर चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करेंगे स्कूल क्यों खोलें भाई स्कूल बंद करें वैसे भी मेरी बेटी का अभी जल्दी खास होती है बड़ी मुश्किलों से उठेगी <laughs> क्योंकि मैं तो जल्दी आ जाती हूँ लेट गई है तो मगर नहीं जाना चाहिए था यार थोड़ी तो सी पेरेंट्स को भी सख्ती करनी चाहिए मौत होती है वन फिफ्टी से ऊपर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मैं रोज़ बता रही हूँ तो वो हर इंसान के लिए ख़तरेबाज है बिल्कुल ठीक नहीं है ना कि हम तीन सौ तीन सौ से ऊपर चार सौ पाँच सौ यार क्या चक्कर है पूरी दुनिया में नंबर दो पे हम यार प्लीज़ कुछ ख्याल करें सिर्फ कल का दिन देख लीजिएगा कल फिर एक नंबर पे होंगे हम ये एक नंबर दो नंबर की दौड़ चल रही है हमारी ऐसे ही है ठीक नहीं हो सकते हमारे ये हालात ना हम ठीक होते हैं ना हमारे हालात ठीक होते हैं और ये मौसमी हालात ने भी हमारी जान ले के झोड़नी है पाल कर दी हमें ये रोज़ इतनी ख़तरनाक खबरें दे दे कि मैं तो थक गई हूँ इतना तैयार होकर इतने अच्छे मुँह से आती हूँ कुछ अच्छी खबर देने के लिए फिर मौसम देखती हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स देखती हूँ फिर आपको ये बताना पड़ जाता है मुझे बगैर चलने वो टॉपिक की तरफ भी आते हैं दुनिया को भी लेके चलना है साथ साथ आज हम बात करेंगे फ्री के ऊपर फ्री जो जॉब्स होती हैं बहुत से अपने नाम सुना होगा मेकअप आर्टिस्ट फ्री लांस काम कर रहे होते हैं बहुत से कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर जब किसी को जॉब नहीं मिलती काम नहीं कर पाते जो घर बैठ के भी काम कर रहे होते हैं इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो फ्री जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं डॉलर लेकर आते हैं मुल्क के अंदर तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना हमारे मुल्क के लिए तो हमें तो इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए आज हम फ्री लांसिंग की पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से ये जॉब्स जो है हासिल हो सकती हैं किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आप एंटर हो सकते हैं कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अगर आपके पास होंगी तो आपको फ्री लास्स जॉब्स करने में ईज़ी होगा और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के ऊपर जिनके थ्रू जो है हम इन काम को जो है हासिल कर सकते हैं उन लोगों तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें जॉब्स मिले हों तो आज हमारे पास अहमद अहमदेब डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। हमने खास इनको मधु कियाट कि इन so तो के थ्रू वो 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 भी किस तरीके से ये काम जो है हासिल किया जा सकता ये लग, है ये जो डॉर्स ये ला सकते हैं पाकिस्तान में कमा के बहुत से लोग ला भी रहे जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेश आपके थ्रू आज सबको ये पता चलना चाहिए Right. तो yeah. जरे जी सबसे पहला सवाल यही है कि बताइए फ्री क्या है और ये रिवायती नौकरी से किस तरीके से होती है ओवर टू यू अच्छा थैंक यू सो मच इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई वुड वुड गो विद कि फ्री से पहले एक स्टेप जीरो है यू हैव टू लाइक सी के आपके uh, like, आप अंदर वो हिडन स्किल कौन सा है अब वो स्किल कैन बी एनी लाइक सी वेर यू आर एक्चुअली एक्सपर्ट एट आप किस में एक एक्सपर्ट हैं कहाँ आप अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और आप उसको फिर सेल करना शुरू करते हैं से लाइक आप से कि यार uh, मैंने आई आई डेफिनेटली अ वेब डेवलपमेंट स्किल या डिज़ाइनिंग का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या एस का या किसी भी फील्ड में लाइक like, एक आर्किटेक्ट है कोई कोई घरों के नक्शे बना के देता है ठीक है तो वो अगेन सबसे पहले स्टेप जीरो इज़ समथिंग पॉलिशिंग योर स्किल लाइक आप जैसे ही अपने स्किल को बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल दैट इन द होल मार्केट होल वर्ल्ड इट्स नॉट समथिंग कि आप किसी गली मोहल्ले में काम करेंगे ठीक है तो इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहला स्टेप है अपने स्किल को पॉलिश करना है पॉलिश करने से पहले उसे चूज कर लेना है क्योंकि आपकी एक नीच स्पेसिफिक होनी चाहिए दैट मैटर्स लॉट जैसे ही आपने एक नीच अपनी सेलेक्ट कर ली कि ठीक है मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है या इस स्पेसिफिक स्किल पे मैंने अपनी वर्किंग करनी है देन यू विल कम टूवर्ड्स फ्री लैंसिंग अब फ्री अच्छा। जो है फ्री लैंसिंग इज़ समथिंग जहाँ आप लाइक like, ज़्यादातर लोगों का विजन uh, होता है कि लाइक like, मैं नाइन टू फाइव जॉब्स में आई डोंट वॉन्ट टू स्टक माई सेल्फ आई वॉन्ट फ्रीडम मुझे घर बैठ के या वेर एवर आई एम आई आई कैन कीप वर्किंग ठीक है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एंड एंड दिस इज वेयर दैट द ट्रेंड्स आर एक्चुअली गोइंग ठीक है लोग भी इसी तरफ जाना चाह रहे हैं लोग भी इसी तरफ काम करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम घर बैठे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं स्पेसिफिकली इस इसमें अच्छा इसमें टाइम हाँ. की भी बचत बहुत है किसी yes. चीज़ की दुकान खोलो जाके वहाँ की बिजली का बिल पे करो ठीक है फिर वहाँ पे मजीद स्टाफ रखो हेल्पर्स exactly. रखो हुँ. और वर्कर्स रखो ठीक है फिर आपका क्लाइंट डीलिंग यू you नो know, बाय फेस ये सारी चीज़ों का ऑनलाइन हो जाना ई के थ्रू जाना डिजिटल हो जाना इसकी वजह से हमारा सब वक्त भी बचता है और काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जनरेट जो पैसा है वो अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच भी है प्लस आप USD में अर्न कर रहे हैं दिस इज़ व्हाट इट क्योंकि एक रुपीस में अर्न करने वाला बंदा और एक डॉलर्स में अर्न करने वाला कैन नॉट बी द सेम जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आप सपोज मुझे बताइएगा कि अगर आ, मैं ऑनलाइन कोई काम करना चाहती हूँ या मैं कोई फ्री कोई काम करना चाहती हूँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ एज

अब फ्री लांसिंग इज समथिंग मे बी समवेयर कोई यू uh, एस में बैठा है और वो आपको हायर करना चाह रहा है फॉर सम को जॉब एक, uh, एक एक छोटी सी असाइनमेंट है ठीक है तो ही कुड भी रिक्वेस्टिंग यू कि हमारा ये स्क्रिप्ट है और इस पर हमें एक वीडियो क्लिप चाहिए या हमें इतने सेकेंड्स का क्लिप चाहिए या हमें ये आपने कॉन्टेंट बोलना है या ये हमारा एक मे uh, बी हमें शाउट आउट देना है तो आप उन उन विद इन सेकेंड्स आप उनको एक एक चार्ज कर सकते हैं एज लाइक आर्ली चार्ज भी होता है एंड देन उसको उसके अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर सकते अच्छा हैं में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से फ्रीलांस के काम के लिए कौन से ऐसे स्किल्स जो हैं लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है डिमांड पे जो स्किल्स हैं जो चल रहे हैं अभी ट्रेंडिंग में जिस पे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं वो कौन सा स्किल होना चाहिए अच्छा सबसे पहला स्किल सबसे जो प्रीमियम स्किल है इस टाइम कम्युनिकेशन स्किल है ठीक है क्योंकि देखें वेन यू वॉन्ट टू अर्न इन यू तो आपको अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी ठीक hmm. है आपकी अंग्रेजी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सके उसको एक अपना विजन क्लियर कर सकें और क्लाइंट को वन कर सकें ठीक है देन एग्जैक्टली यू आर वर्किंग ऑन सपोज इट्स इट्स एन एरा ठीक है आप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी में आप अपनी फील्ड को स्पेसिफाई कर, कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट है अब वेब डेवलपमेंट में भी आप स्पेसिफाई कर लेते हैं इधर इट्स अ बैक एंड और इधर इट्स अ फ्रंट एंड और उसमें फिर मजीद आप अगर डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पर हैं तो आर यू आर एस यू एक्सपर्ट आप ज़्यादा हैं आप कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट आप ज़्यादा हैं या एग्जैक्टली exactly आप किस में एक्सपर्ट अपने आप को कंसिडर करते हैं तो दिस इज़ वेयर यू यू विल स्टार्ट फ्रॉम और उसके बाद यू विल टेक इट फ्रॉम देयर के आप मल्टीपल स्किल्स को साथ साथ अपने जोड़ते जाए बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर जो है ये जॉब्स हासिल की जा सकती हैं जो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये जो बच्चे हैं यूथ है हमारी और ये जाके फ्रीलांस काम हासिल कर सकती है कम्युनिकेशन कर सकती है अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें बेसिकली ये होता है कि जो इनिशियली विच आई यूजली सजेस्ट टू माई पीपल माई स्टूडेंट्स एंड एवरी कि सबसे पहले इट्स लाइक सबसे पहले आता है अपवर्क ठीक है आप अपवर्क को यूज़ करें उस पर साइन अप करें यू यू विल गेट क्विक क्लाइंट्स राइट अवे अगर आपने अपना पोर्टफोलियो सेट कर लिया है आपने अपनी स्किल पे काम कर लिया है और अगर आपकी कम्युनिकेशन किसी हद तक बेहतर है तो अपवर्क इज़ बेस्ट अगेन अलॉन्ग विद डेट देर इज़ फाइबर ऑप्शन एज वेल फ्री लांसर है तो आपके पास ये तीन चार ऑप्शन हैं जो कि आप राइट अवे एट द वेरी स्टार्ट एज अ फ्री लांसर टूल स्टार्ट कर सकते हैं बट hmm. अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं वेर यू सी कि यार ये छोटे छोटे इधर से क्लाइंट्स तो आ रहे हैं बट इन इन द नेक्स्ट स्टेप आप अपवर्क और इस तरह की चीज़ों को एज अ लीड जनरेशन टूल यूज़ करना शुरू कर देते हैं hmm. उसमें क्या होता है कि आप वो क्लाइंट को पकड़ते आप देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है डजेंट मैटर कि वो दस डॉलर की जॉब लेकर आया या फिफ्टी डॉलर्स की लेके आया बट यू नीज टू असेस यू नीज टू स्मेल कि उसके पास काम है ठीक है ना चाहे इस टाइम उसकी ज़रूरत सौ डॉलर की है या पचास डॉलर की है बट उसके पास काम पड़ा हुआ है ठीक है उसकी प्रोडक्ट उसका आइडिया बहुत बड़ा है एंड ही हैव फंडिंग एज वेल दिस इज वेर यू हैव हैव टू टू प्ले योर रोल यू गो डायरेक्टली अहमद ब्रेक लेंगे उसके बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे आप कॉल भी कर सकते हैं अहमद हमारे साथ मौजूद है हमने ख़ासिन को मधु इसलिए किया था कि आपकी रहनमाई हो सके अगर आप फ्री में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं कोई ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको फ्री जॉब्स हासिल हो सके तो आप कॉल कर सकते हैं और आपको अहमद भी गाइड कर सकते हैं ऑल दो मैं सारे सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ फिर वी विल टेक योर कॉल्स टेक अरे वेलकम बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा और अभी हम बात कर रहे हैं फ्री जो जॉब्स हैं वो किस तरीके से हासिल की जा सकती हैं उसके लिए कौन से स्किल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में आप पूछ सकते हैं हमारे साथ अहमद मौजूद हैं तो आ, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये जो अपवर्क है और आ, फाइवर है तो इसके ऊपर लोग जो है आ, अपने प्रोफाइल्स जो है वो बनाकर बैठ जाते हैं मगर उसके बावजूद काम जो है उनको मिल नहीं रहा होता है तो वो किस तरीके से ऐसा क्या काम करें कि जिस तरह से वो ट्रेंडिंग में टॉप पर आके अपना काम जो है वो प्रायोरिटी पर हासिल कर सकें अच्छा इसमें कंसिस्टेंसी इज़ अ की राइट आपको एक दिन नहीं मिल रहा दो दिन तीन दिन लाइक ट्राई ओवरनाइट सक्सेस इस स्कैम वो नहीं मिलती ठीक है आपको उसके पीछे नहीं भागना यू नीड्स टू बी कंसिस्टेंट आप उसको जारी रखें अपनी कोशिश को अब आप उसमें आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करेगा अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैं तो फ्रेशर हूँ मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है डिस्प्ले करने के लिए उस केस में आप सिंपली आपने जो जब स्किल आप सीख रहे थे आपने कुछ अपने टेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे कुछ अपने टेस्ट वर्क किया होगा उसको एटलीस्ट आप डिस्प्ले करें कुछ न समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग सो ट्राई टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो जो कि आपको एक्जैक्टली exactly हेल्प करेगा टू विन एनी एनी फर्स्ट ऑफ़ योर प्रोजेक्ट और कंसिस्टेंसी और इसके साथ साथ आपने टाइम को मैच करना होता है आप ये नहीं कर सकते कि मैं सुबह मैं रात को जल्दी भी सोऊं और सुबह भी मैं अपनी मर्ज़ी से उठूं और मैं डॉलर्स में भी कमा लूँ आपको यूएस टाइम जोन के साथ चीज़ों को मैच करना पड़ेगा अगर आपने इस आ, उस मार्केट में काम करना है आपने यू में बेसिकली अर्न करना है तो आपको क्या है कि मिड नाइट पर कभी होता है कि आपको जो बेड्स होती हैं उसमें आपको वर्किंग करनी पड़ती है कि आप मिड नाइट को बैठें रात को दो बजे बैठें आप उसको स्ट्रेटजी को चेंज करें ये नहीं है कि आप थ्रू आउट छः महीने आप दो बजे बैठें और चार बजे तक आप रात को उसकी बिड्स कर रहे हैं ट्राइंग तो टू तो फाइंड द तो क्लाइंट कोई फ्री लांस काम कर रहा है उनको क्लाइंट जो है वो तंग कर रहे हैं बार बार कर करें कि ये काम सही नहीं है ये काम यूँ नहीं है ये काम ऐसे नहीं था इसकी इस तरह की चेंजिंग करके दें मुझे ये काम बिल्कुल डिफरेंट कर दें देन अच्छा गुड क्वेश्चन ये होता है ये ऑलमोस्ट लाइक नाइन्टी परसेंट लोगों के साथ ये फेस आता है बट दिस इज वेयर योर क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स जम मगर बच्चे जो हैं, हैं जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले हैं लेते हैं लेते हैं एब्सोल्युटली और वो उससे सरेंडर भी कर देते हैं लाइक like, ये हमारे चीज़ नहीं है एंड बैक टू नाइन टू फाइव तो दिस इज़ वेयर लाइक अगेन यू हैव टू बी लाइक वेल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होल्ड योर नर्वस ठीक है आपको अपने एग्रेशन्स को कंट्रोल में रखें कस्टमर इज ऑलवेज अ फर्स्ट प्रायोरिटी उस चीज़ को जहन में रखते हुए ट्राई टू प्रोड्यूस क्वालिटी अगर आपको कोई क्लाइंट लेट सपोज उसने कोई चार पांच आपसे टास्क मांगे हैं और वो सही से डिलीवर नहीं हुए तो यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन योर क्वालिटी ठीक है हो सकता है उसमें अंडरस्टैंडिंग का गैप आ गया हो रिक्वायरमेंट्स का गैप आ गया हो हम क्या करते हैं हम डायरेक्टली वी ट्राई टू जंप इन इन टू राइड टूवर्ड्स डूइंग द टास्क हम रिक्वायरमेंट्स आई हम साथ ही उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हम उस पर होमवर्क नहीं करते हम उस उसपे पेपर वर्क नहीं करते कि एक्चुअल में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या मे बी इट्स इट्स एन आइडियल कि जैसे ही रॉ रिक्वायरमेंट्स आई हैं मैं उसको लूँ मैं उसको ट्रांसलेट करूँ एक डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट से उसके उससे कॉन्सेंट ले लूँ कि इज़ दिस एग्जैक्टली वट यू वॉन्ट एक डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई करें उसको डिवाइड करके उस, उसको आसान लफ्जों में समझा दें कि दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट ठीक है कौन सा अब सपोज मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ या मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मुझे ये क्लाइंट से जो है ना प्राइस लेने ताकि मैं मार्केट में जो है ना एक सिंटेन, एक रेट अपना जो है ना सेट कर सकूँ और मुझे पता हो कि भाई ये ना हो कि मैंने अगर अपने रेट बढ़ा लिए तो वो किसी और के पास चला जाएगा क्लाइंट बाकियों के साथ मेरा भी बैलेंस हो प्राइस जो मैं क्लाइंट को दूँ कैसे पता चलेगा मुझे ठीक है ये ये एक स्टेप और आप जब चले जाते हैं पहले तो है कि आप यू आर ऑल टुवर्ड्स कि मुझे पहला क्लाइंट मिल जाए पहला क्लाइंट मिल जाए डजंट मैटर व्हाट द रेट इज ठीक है जब आपके पास क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते देन यू विल कम टुवर्ड्स कि मैं अभी इस रेट को डबल कैसे कर सकता हूँ मैं कितना अच्छा अर्न कर सकता हूँ मैं अपना अर्ली रेट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ कॉम्पिटिटिव रहना भी तो इंपॉर्टेंट है अब््सोल्युटली तो कॉम्पिटिटिव इज इज समथिंग कि आप अपने स्किल से उसको करते हैं आप उसको अपनी कम्युनिकेशन से लेट्स सपोज यू आर गोइंग इन अ वेरी फर्स्ट कॉल उस hmm. उस क्लाइंट के साथ अब आपका वो जो स्किल सेट है आपकी कम्युनिकेशन है आपका पोर्टफोलियो है वो आपको बाकी सबसे अलग करेगा ठीक है उसी टाइम पे एक फ्रेशर है उसको बेड कर रहा है उसी टाइम पे एक आप एज एन एक्सपर्ट जा रहे हैं बट वो फ्रेशर इज़ डिमांडिंग टेन आवर्स टेन टेन डॉलर्स पर आर और आप डिमांडिंग आप कर रहे हैं फोर्टी डॉलर्स पर आर ठीक है बट वो आपको क्यों चूज़ करेगा जस्ट बिकॉज कि आप क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे ठीक है उसके काम में और उतना क्विकली आपको लेट सपोज अगर वो दस घंटे लगा रहा है आप वो काम उसको दो घंटे में तीन घंटे में करेंट ओके दे दे okay. तो अच्छा ये बताइएगा पाकिस्तान में जो वी पी एन ऐप है उसको हराम करार कर दिया अब उसके थ्रू बहुत सारे काम हो रहे हैं अब ज़रूरी है कि उसको अच्छे कामों की तरफ भी देखा अगर जाए तो उनको उस तरीके से भी तो यूज़ किया जा सकता है मतलब बाकी तरफ अगर ना देखा जाए तो ये मुझे बताइएगा कि जो वी को यहाँ पर बैन कर दिया है हराम करार कर दिया है अब ये बाकी लोग काम किस तरीके से करेंगे क्योंकि वी की ऐप को तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंटली इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं तो इसमें हमें ये चीज़ समझने की डेफ़िनेटली एक ज़रूरत है कि वे पी गैर श्रे जो हम उसको करार दे रहे हैं लाइक like उसकी यूज़ेज क्या है हम उसकी नेगेटिव साइड्स को uh, एक साइड uh, पे रखते हैं हम उसकी पॉजिटिव साइड्स को भी देखें ये ये एग्ज़ाम्पल एक ऐसे ही है कि लाइक आई एम यूजिंग अ लैपटॉप राइट अब वो लैपटॉप का मैं अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ बुरा इस्तेमाल कर सकता हूँ इट डजेंट मीन कि वो लैपटॉप हराम है ठीक है या वो लैपटॉप गैर शरी है मेरा वो यस मेरा वो अमल जो है वो गैर शरी नहीं है ठीक है मेरा वो अमल तो गैर शरी हो सकता है लेकिन वो डिवाइस बेचारी गैर शरी नहीं है ठीक है तो दिस इज़ वर्ट वेयर इट कम्स ठीक है इसमें फिर हमारी जो गवर्नमेंट है दे दे आर एक्चुअली वर्किंग के हम इसको कुछ इस तरह से आईपी बाउंड कर दें ठीक है स्टैटिक आई के थ्रू चीज़ों को ले जाएं कि हम जो है ना रजिस्टर्ड कर लें आई और वो सिर्फ वी को यूज़ कर सके तो इससे हमारी जो फ्री लांसर कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा हिट होगी ठीक अच्छा। है अदरवाइज़ जो कंपनीज़ हैं जो बड़ी कंपनीज हैं येस देख देख एन डेफिनेटली गो वो जो उनके आ, प्री कंडीशन हैं सारी फुलफ़िल कर लेगी गवर्नमेंट की वो पैसे भी पे कर देगी वो स्टैटिक आई भी बाई कर लेगी वो तो कर लेंगी लेकिन जो हमारा एक बेचारा छोटा फ्री है या जो एक फ़्रेशर है जिसने अभी फ्री करनी है उसके लिए इट कैन बी अ बिग चैलेंज लास्ट में क्या कहेंगे जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं वो जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं अच्छा खासा पैसा डॉलर की शक्ल में लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में तो उनको किस तरीके की सपोर्ट की जरूरत है और किस तरीके से वो आगे बढ़कर मजीद काम कर सकते हैं स्ट्रॉग हो सकते हैं एब्सोल्युटली मैं सबको यही कहूँगा ग्रेट जॉब ठीक है ये जो आ, एक फ्री की जर्नी है इसको कंटिन्यू रखें बिकॉज इससे आगे स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बट इस दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट इससे आप स्पेसिफिकली लाइक एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग इन डॉलर्स यू आर अर्निंग वर्ल्ड वाइड और आप अपने स्किल्स को प्रूव कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल कम्यूनिटी तो कंसिस्टेंसी आपने कुछ अप्स एंड डाउंस आते हैं कुछ बैड डेज आएंगे बिजनेस में इट इट हैपन्स कुछ ऐसे डेज आएंगे यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स एट ऑल और कुछ एकदम आपको विदिन अ वीक आप यू विल बी एबल टू सिक्योर मल्टीपल क्लाइंट्स तो आपने कंसिस्टेंट रहना है और क्वालिटी क्वालिटी को कभी भी हाथ से ना छोड़े डजेंट मैटर वॉट एग्जैक्टली दे आर डिलीवरिंग बट क्वालिटी इज समथिंग विच मैटर्स थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंड मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ना इंपॉटेंट है कि आप उसमें उबूद हासिल करें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट को डील करना है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत फिर डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएंगे कोई नो मैटर आपने जब बाहर की मार्केट को डील करना है तो अपने इंग्लिश में ही लोगों को ई करनी है लोगों को इंग्लिश में ही चीज़ें समझानी है और कम्युनिकेशन भी तो ये यह यहाँ पर अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे और अगर थोड़ा सा प्रेशर ले आप डाउन हो जाएंगे तो फिर कुछ लोग जैसे छोड़ देते हैं फ्री का काम आगे बढ़ने से घबरा जाते हैं कतरा जाते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस की एक आपकी लेयर है ना उसको आप फाड़ के बाहर निकले और आप कहें कि भाई मैं तो दुनिया फतह कर सकता हूँ घबराना कोई नहीं प्रेशर नहीं लेना प्रेशर आपने बाकियों को देना अपने अच्छे काम से टेक अ ब्रेक वेलकम बैक यू वॉचिंग मार्निंग विध फ नाजिन माहिर गज़ाइत जो है हमने यहाँ पर बुलाई है बड़ी एक्सपर्ट है रबिया ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें आज बताएंगी कि कम बजट में हम किस तरीके से अच्छी डाइट जो है वो हासिल कर सकते हैं अच्छी चीज़ें खा सकते हैं और हम अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है असल यू कैसी है वालेकुम असल मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़बरदस्त मैंने कहा आप आती रहती हैं आपको हमारा पैटर्न पता है कि किस तरीके की कॉल्स आती हैं किस तरीके के इशूज़ हैं माशरे में लोगों को तो फिर आप हमें सही अच्छी तरीके से, से गाइड कर सकेंगे तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कम बजट में हेल्दी फूड कैसे हासिल किया जा सकता है आज के दौर में आ, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है फ़ा अगर आपकी आ, हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जो गरीब हैं या जो लोग कहते हैं कि बजट का प्रॉब्लम है जिन्हें प्रॉब्लम होती है हेल्दी सेलेक्ट करने में हेल्दी फ़ूड उनको लगता है कि हेल्दी फूड अवाकाडो हैं ब्लूबेरीज़ हैं ये सारा कुछ है हालांकि हेल्दी हल्दी है हेल्दी की तरफ जाएँ तो पालक है हेल्दी की तरफ जाएँ तो अंडा आप वीक में तीन मरतबा खा रहे हैं बेशक वो हेल्दी है कम बजट में रह के तो ये आपकी चॉइस होती है हमारे मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो कि बहुत जो है ना बजट के साथ टाइट होते हैं लेकिन महीने में एक दो मरतबा बरकत मार्केट जाके पंद्रह सौ की डील लाजमी खाते हैं जिसमें उनको पांच बर्गर्स मिलते हैं तो वही पंद्रह सौ अगर वो नट्स ले लें वो एक वीक उनके नट्स सुकून से निकल जाए तो ये चॉइस पे बहुत डिपेंड है बड़ी आपकी बात सही अल्लाह बख्शी मेरी अम्मी कहती थी कि कुछ भी हो जो अंडा और दूध है वो बच्चों को भी और बड़ों को भी रोज रात को खाना चाहिए आज भी मेरी गर्मी जिंदा होती तो मुझे ये कहती दो अंडे उबालो खाओ उसके साथ एक गिलास दूध पियो गर्म और, और सो जाओ बिल्कुल ऐसा है ना कि हम जो हैं समझते हैं कि नहीं ये चीज़ें पच्चीस रुपये का एक अंडा आता है हफ्ते में तीन से चार मरतबा खाएं तो आपका पैंसठ या सौ रुपये खर्च होगा ठीक है और यही सौ का जो है अगर एक बंदा स्मोकर है और वो टाइट बजट पे चल रहा है मेरा ख्याल है एक सिगरेट सौ रुपये का आता है शायद इतने महंगे तो हो ही गए हैं तो वो सिगरेट की जगह अगर वही तो टी सी पीसीआर में पीने वाले हैं वो सारे बता रहे नहीं नहीं मुझे आइडिया नहीं है कभी पिया नहीं है तो ये है कि आ, ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है आप अगर पालक ले रहे हैं आप नट्स खा रहे हैं ये थो, थोड़ा सा बजट जो है ना ऊपर नीचे आप करके और सबसे पहले ग्रॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको भूख लगी है भूखे हैं तो कभी ग्रॉसरी करने ना जाएं ये एक में साल हो जाती है अगर आपको भूख लगी हुई है आप लेट्स से यू हंग्री और आप जा रहे हैं ग्रॉसरी करने तो उस टाइम पर आपको समझ नहीं आएगी आपको ना भूख लगी होगी और आप ये भी उठा रहे होंगे वो भी चॉइसेस आपकी बड़ी गलत हो जाती अच्छा। है कोशिश करें खाना खा के ग्रोसरी करने जाए और ये चीज जिंदगी के लिए भी कहावत होती है डोंट गो फॉर ग्रोसरीज इफ यू आर हंग्री अच्छा अगर आप स्टाफ कर रहे हैं किसी चीज को तो खाली मतलब उस चीज की तरफ ना जाएं अगर आप अकेले हैं तो उस चीज की तरफ ना ग्रॉसरी की बात छेड़ी दिए तो बता दीजिए कि कम बजट में हम हेल्दी ग्रोसरी कैसे खरीद सकते हैं आप सब्जियों की तरफ ज्यादा जाएं दालों की तरफ ज्यादा जाएं आजकल मटन बहुत एक्सपेंसिव है बीफ बहुत एक्सपेंसिव है फिश थोड़ी सी बजट के अंदर आ सकती है मतलब पाँच सौ रुपए में तीन से चार लोग फिश खा सकते हैं ग्रिल्ड फिश मतलब उनका सर्विंग चार से पांच लोगों की आ जाती है पाँच से सात सौ में अगर आप खरीद के लाते हैं घर पे ठीक है अच्छा तो वो ऐसे है कि आप फिश की तरफ चले मतलब अच्छा। 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 मछली भी तो महंगी मह, है महंगी है लेकिन मंथ में एक दफा तो खा ही सकते हैं आप मुझे को पचास साठ रुपए वाली चीज़ बताएं जो साठ रुपए सफ़ेद जो चने होते हैं भुने हुए चने होते हैं भुने हुए चने बहुत अच्छे हैं आप अगर हर एक दो दिन बाद या रोज भी खाते हैं बीस तीस रुपए के रेडियो से भुने हुए चने लेते हैं ये इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोटीन बहुत अच्छा मिल रहा है आपकी शुगर इससे कम होती है आपके लिए हेल्दी है आपकी हड्डियों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है तो ये है कि अगर आपने बुने हुए चने खाए हैं या है, काले चने की बात नहीं कर रही है ना काले चने जो बुने हुए होते हैं अगर आप बॉय करके खा अच्छा। रहे हैं शोरबा बना के खा रहे हैं वो भी आपकी मर्जी है लेकिन कन्वीनियंट होता है लोगों को क्योंकि मैं भी पूरा दिन बाहर ही होती हूँ मुझे कन्वीनियंट रहता है रेडी से बुने हुए चने जो वो काले छिलके वाले चने चले ना जो बुने हुए होते हैं जो अंदर से पीले होते हैं उनकी बात कर रही है ठीक है हाँ सही कह रही है और अगर वही काले चने सर्दियाँ आ गया भी कम हो जाती है बिल्कुल भूख भी नहीं लगती इतनी मतलब अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं आपको बार बार कुछ चाहिए खाने को एक तो खीरा बहुत अच्छा है सैलड्स में खीरा मूली अब तो गाजर भी आ गए खीरा मूली गाजर इसका सैलड बना के खाएँ आपका लंच हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप कुछ क्रेव करें शाम की चाय के साथ आप काले चने खा लें भुने हुए या सिट्टा खा लें जो बुना हुआ होता है या बॉयल्ड वो भी आपकी चॉइस है यानी शाम के टाइम चाय के बाद अगर आपको कुछ खाने का दिल करता है आप महंगे ऑप्शंस की तरफ ना जाएं अच्छा एक कॉल हम लेना चाह रहे थे समीना की कॉल है कुछ पूछना चाह रही है असला जी समीना समीना अब मुझे लगता है खुद ही को जोक सुना के खुद ही हादसा निकल गया क्या हो गया हंस क्यों नहीं अल्लाह खैर करे मैंने 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 और रबिया ने मेकअप तो अच्छा खासा सही किया <laughs> क्या

समीना बत्तीस साल की हूँ कल मैं भी मैंने कॉल की थी नहीं तो समीना बख्ष... तुम्हारा वेट वेट ज्यादा है क्या मसला क्यों? शुगर क्यों इतनी जल्दी हो गई बत्तीस साल तो कोई उम्र नहीं होती इतनी जल्दी तुम्हें शुगर जो परेशान हो टेंशन लेती हो, फिक्र तो करती हो। मुझे, मेरी उम्र बत्तीस साल है और मुझे शुगर न 10-12 साल तो से है अच्छा है नुगर भी ठीक हो जाएगी क्यूँकी मुझे न आपसे बात करके मेरी जिंदगी का है कि जैसे ये समझे की मेरी जिंदगी का ये मकसद था अरे तुम्हारा बहुत प्यार है अच्छा इससे पहले की अभी हाँ पे रबिया से बात कर रहा हूँ दो बातें मैं तुम्हें तो बड़ी अच्छी बता देती हूँ मेरी पूरी फैमिली में हैवी शुगर है हम लोग पाँच बहनें तीन भाई हैं ठीक है अम्मी को भी शुगर थी मेरे अबू को भी शुगर थी ठीक है तो हमारी अम्मी बड़ा अच्छा इलाज बताया करती थी आ, शुगर का मैं एक शुगर की दवाई जो है ना ख़ास आज एक अपलोड करूँगी अपनी स्टोरी पर इंस्टा की वहाँ से जाके एक तो वो देख लेना ठीक है वो बड़ी घरेलू एक घरेलू सी चीज़ है उसको खाना तो उससे यह कि तुम्हें दवाइयों से निजात रहेगी तुम ये जो इंसुलिन अगर इस पर हो तो उस पर भी तुम नॉर्मल रहोगी दूसरा तुमने अपनी जो है ना वज़न को कम रखना है टेंशन नहीं लेनी ऊंचा नहीं बोलना चीखना नहीं है अपने आप को फजूल में ना हल्कान नहीं करना है इतना काम करना है कि जिसमें तुम्हारा पूरा जिसम थके ना ठीक है तो अपना खा और चूल्हे पे बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना है वरना तुम्हें हीट भी जो है ना वो बहुत बुरी लगेगी तो बाकी चीज़ें जो है फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे बताती हैं हम ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं लव यू समीना अभी हमारे साथ मौजूद है और हमें समीना ने कॉल की थी उनको शुगर भी है बत्तीस साल की है काफ़ी परेशान थी तो प्लीज़ आप उनके लिए भी कुछ ज़रा बता सकते हैं तो बताइए कोई डाइट भी कोई ऐसी चीज़ जो वो करें जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार, बार बड़ी भूख लग रही होती है वो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं उनको हम यही रेकमेंड करते हैं कि अपना जो है मिकदार खाने की कम कर दें और टाइम ज़्यादा मतलब थोड़े थोड़े थोड़ टाइम बाद खाना शुरू कर दें उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करना अच्छा नाश्ता अगर आपने नौ बजे किया है ग्यारह बजे आप स्नैक्स लें दो बजे आप लंच करें फिर पाँच बजे स्नैक्स लें और सात आठ बजे डिनर कर लें ठीक है अब जो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स रोटी तो वो होता है आपकी शुगर पेट की डायबिटीज़ आपको कितने अरसे है ठीक है और कितने सिवेयर है और किस तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है बॉडी टू बॉडी वे वेरी करता है लेकिन एक जो कॉमन uh, चीज़ है जो कॉमन uh, प्रैक्टिस है जो uh, आम लोगों को बताती हूँ वो मैं बता देती हूँ कि बाजरे की रोटी बड़ी बेनिफिशियल है इसका जो है जैग्लाइसीमिक लोड कम होता है जिसकी वजह से आपकी फ़ॉरन शुगर हाई नहीं होती तो बाजरे की रोटी कोशिश करें अगर आप अनाज की रोटी नहीं लेना चाह रहे होल ग्रेन वीट भी ठीक है और अगर आप होल ग्रेन वीट एटी uh, परसेंट हो और ट्वेंटी परसेंट बाजरा हो तो भी ठीक है लेकिन अगर आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब चपाती पे नहीं रहना चाह रहे आटे पे जो चक्की का है तो उसकी जगह आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं उसके अलावा एक नुस्खा है कि जो करेला है करेले को ड्राई करके उसका पाउडर बना के आप रोज़ एक चाय का चम्मच लें वो आप इसी तरह कर ले पानी में डाल के पी लें आपकी अपनी मर्जी है किस तरीके से ड्राई करना पूरा तरीका बता दे ताकि वो समीना की भी वो की भी भी कॉल थी रहनुमाई हो जाए ठीक है करेलों को ना आपने काट के पाँच से आठ दिन के लिए ना धूप में ड्राई करना अगर सर्दियां तो पंद्रह बीस दिन भी लग सकते हैं क्योंकि धूप बड़ी उसके होती है उसके छिलके को खुरचना नहीं है खुर्चना नहीं है उसको बस काट के ना छोटे छोटे स्लाइस करने हैं ताकि वो ब्लेंड इजिली हो जाए अच्छा और ड्राई भी हो जाए अंदर जो नमी है वो सारी की सारी निकल जाए ठीक है और सफाई का बहुत ख्याल रखना है अच्छा उसके बाद जो है उसको ड्राई कर लेना और ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बना के घर में ही बनाना है कोशिश करें वो आपने रोज एक चाय का चम्मच लाजमी लेना है सूखा या पानी के साथ वो आपकी मर्जी है हकी की तरह लेकी की, की तरह ले सकते हैं ज़बरदस्त और so, ये शुगर को जो है कंट्रोल बैलेंस भी करेगा कंट्रोल करेगा ठीक ये ठीका? बड़ा आम मतलब आम टोटक है काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है लोगों की लेकिन इतने लोगों को नहीं पता होता जो शुगर के साथ डील कर रहे होते करेले वैसे भी अगर आप सब्जी के तौर पर खाते हैं तो बहुत अच्छा है आप हफ्ते में एक दफ़ा करेले लाजमी खाएं हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं आपको कैल्शियम मिलता है मिनरल्स मिलते हैं उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं कैप्सिकम है आ, उसके खीरा है और बाकी चीज़ें हैं वो अगर आप खाते हैं स्नैक्स में तो वो भी बड़ी अच्छी हैं क्योंकि सब्जियों को अगर आप जितना कम आँच पे पकाएंगे उतना बेहतर है न्यूट्रिएंट्स ज़ाया नहीं होते हैं क्योंकि वाटर सॉलीबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी सब्जियों में तो अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाते हैं हमारी अम्मियों की आदत था है भून भून के बनाना जब तक वो सब्जी काली ना हो जाए हमें पसंद नहीं आती आ, तो कोशिश करें लड़की जो ब्याह के लानी है उसका रंग काला नहीं होना चाहिए मगर सब्जी को भून, भून के रंग काला शुरू करना एक ब्रेक लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आपसे ये पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सस्ते प्राइस में ख़रीद सकते हैं और सस्ती सस्ती चीज़ें जो लोगों को लगता है कि भाई इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है तो लोकल चीज़ें और इम्पोर्टेड चीज़ें लेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा तो इसका फ़र्क अभी हम यहाँ पर पूछेंगे टेक अब व्रेक वैकम बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और जब यह हमारे साथ है अब हम यहाँ पर ये यह पूछेंगे कि सबसे सस्ती चीज़ें जो है वो कहाँ पर दस्तियाब हो सकती हैं कैसे दस्तियाब हो सकती हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लें क्योंकि जो लोकल चीज़ें हैं वो कहते हैं कि तो लोकल चीज़ों में तो हमें तो इसमें सेहत ही नहीं मिलेगी तो हेल्दी ही नहीं है तो हमें ब्रांडेड चीज़ें ही लेनी है तो आप प्लीज़ बताइए क्या खाएँ आ, असल में हमने ना एक माइंडसेट हमारा बन चुका है कि नहीं अगर अगर तो ये ब्रांड की चीज़ें तो बहुत अच्छी है लोकल तो अच्छी हो ही नहीं सकती हालांकि आप वही सब्ज़ी मंडी में जाके चीज़ दस गुना सस्ती ले सकते हैं अगर बात की जाए इस चीज़ की क्या क्या सस्ता मिल रहा है तो हमारे पास आजकल मौसम में केलों का केले बहुत बेनिफिशल हैं सेब बहुत अच्छे हैं बहुत बजट में आ रहे हैं खीरे हैं गाजरे हैं मूलियाँ हैं सब्जियाँ हैं पालक है और ये सारी चीज़ें हैं जो कि साग बो... का भी मौसम आ जाएगा साग का भी मौसम आ जाएगा साग भी बहुत अच्छा है तो ये सारी चीज़ें जो कि सस् अगर एक इंसान सुबह सुबह उठता है छः बजे मंडी से जाके ग्रोसरी कर रहा है और वो बंदा जो कि सिर्फ़ एक बहुत बड़े स्टोर से ख़रीद रहा है तो प्राइस डिफरेंस तो आएगा क्योंकि मंडी से जो ला रहे हैं चीज़ वो सस्ती मिलेगी मंडियों से ही अगर बादाम भी लेके आए और ये बीज भी लेके आए सारे और तिल होते हैं बहुत अच्छे वो भी लेके आए तिल बहुत सस्ते हैं मैंने कल एक पैकेट खरीदा बहुत अच्छे ब्रांड का वो मुझे एक सौ तीस का पड़ा है अच्छा और वो काफ़ी उसके अंदर क्वांटिटी अच्छी थी तो सफ़ेद तिल आप अपनी डाइट में ऐड तिल दाने निकल आते खाने से क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल वो क्वांटिटी का होता कितने है कितने खा, कि खा कि सकते हैं एक छोटी चम्मच आपने खानी है और कोशिश करनी है जब आप बादाम और ये सारी तिल वगैरह सब चीज़ें खा रहे हैं अपने पानी को जो है ना पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखें कुछ जात की तासीर भी तो गर्म होती है ये तासीर गर्म होने का मतलब ये होता है कि जो पानी है ना वो ज्यादा आपकी बॉडी में कंज्यूम करते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइम पे तो उस उस टाइम पर आपको क्या करना होता है पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होता है बेसिकली तासीर गर्म नहीं होती है पानी की कमी हो सकती है आपको इसीलिए कहते हैं कि आप पानी से ज़्यादा जा, से ज़्यादा पिए ठीक तो है। ये होता है अच्छा लास्ट टाइम जब आप आई थी तो आपकी एक रील बड़ी वायरल हुई जिसमें कॉटिस के बारे में आपने बताया था और एक आ, मलेशिया में रहते हैं लड़के तो उन्होंने कोई आ, आपके उस कॉटोसॉल के ऊपर बात की काफ़ी लोगों ने शेयर भी की तो मैं चाहूँगी कि आप कॉटिस को एक बार दोबारा एलेबरेट कर दें समझा दें ताकि लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए कि वॉच यू टॉकिंग बाइट अच्छा उन्होंने एक रील बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉर में जो लोग होते हैं उस तरह तो उनको बहुत मोटा होना चाहिए क्योंकि वो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं देखिए फिजा जो वॉर में लोग हैं ना वो उनको खाने की कमी है ठीक है खाना उस तरह से मिल नहीं रहा उन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं और वो हर टाइम स्ट्रेस में हैं ठीक है लेकिन हम मैंने बात की थी आम लोगों के जो हम लोग हैं की केस हैं की बात नहीं थी किलोमीटर भागना exactly. सब चीजें तो हो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं। और वैसे भी और अगर अब बात कीजिए ना हमारी मैं आम लोगों की बात कर रही थी हम पाकिस्तानियों की बात कर रही थी खाना दो से तीन दफा भी खाएं दिन में

ठीक है चल चलिए छोड़ें आपने एक चीज़ को एलेबरेट किया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एंड में मुझे ये ज़रूर बताइए कि अगर प्रोटीन हमें चाहिए ग़ाओं से तो वो कौन सी ऐसी गजाएँ हैं सस्ती ग़ाएँ जिससे प्रोटीन इनटेक हमें अच्छा मिल सके प्रोटीन इनटेक अगर आपने लेना है तो वो सबसे पहले दूध है दही है और उसके अलावा हमारे पास चने हैं सफ़ेद चने जो होते हैं वाइट चने बहुत अच्छे हैं वाइट चिक पीस जिनको हम कहते हैं बहुत अच्छे प्रोटीन का सोर्स है उसके अलावा आप डिफरेंट जो है सब्जियां भी लें वो भी बहुत अच्छी हैं टोफू अगर आप अपने दूध के अंदर थोड़ा सा लीमू डाल के उसको पनीर जिसे कहते हैं टोफ़ू आप बना रहे हैं घर पे वो भी बहुत अच्छा है तो ये है कि प्रोटीन के और भी बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं लेकिन जो मेजर फोकस है ना अगर आप सस्ती गज़ाओं पर कर रहे हैं तो वो आप इजीली दूध से दही से ले सकते हैं और ये जो है सफ़ेद तेल वग़ैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपको प्रोटीन भी देती हैं बाकी मिनरल्स और वाइटामिन भी देती हैं ज़बरदस्त एंड में कोई मैसेज देना चाहें कुछ बताना चाहें कोई गाइड करना चाहे ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और बस जो भाग दौड़ में लगे होते हैं अपने घर को चलाने के चक्कर में लगे होते हैं नौकरियां कर रहे होते हैं मेरे भाई हजरात कोई ऐसी चीज़ जो जेब में रखें छोटी सी बस एक पुड़िया बना के रखें जहाँ उनको लगे कि भाई भूख है तो वो कुछ खा लें अच्छा क्योंकि अपने खाने पीने का ख्याल हमारे घर के भाई जो भाग दौड़ करते हैं ना मर्द मर्द हजरात दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं अपना ख्याल रखना अपना भूल जाते हैं मेरे अब्बा जी भी हम पूरा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते तो खजूरें अपने पास रखे इंस्टेंट एनर्जी देती है उसके अलावा अलावा छुआरे वाले दूसरे नहीं 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 खजूरे खजूर जो होती है अजवा हो जाए तो बेहतरीन है नहीं तो दूसरी आम भी जो मिलती है वो रख ले वो भी फायदेमंद वो फायदेमंद है इंस्टेंट एनर्जी देती है बादाम वगैरह आजकल वो पीनट्स हैं बहुत अच्छे हैं मूंगफली वो अपने पास रख लें वो भी बड़ा फायदेमंद है तो एक मतलब छोटा सा भी मूंगफली का मौसम भी है मूंगफली का, मौ, है का जी तो, जी तो बड़ा इंस्टेंट एनर्जी देती है तो काफी अच्छी हैं ये चीजें जो चने बोले थे चने भी, भी रख सकते हैं भुने हुए कॉर्न ना है वो जो कॉर्न भून के देते हैं वो भी कर सकते हैं तो ये सारा मौसम इन्हीं चीजों चीजों का का है है, का है। तो इजीली एक्सेसिबल जी जबरदस्त थैंक यू सो मच रबिया आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया और ये सस्ती सस्ती चीज़ें आपको आज बताई गई हैं कि आप ये खरीद सकते हैं अपनी प्रोटीन इनटेक भी हासिल कर सकते हैं अच्छी गजाएं जो है वो आप अपने जब सेहत में शामिल करेंगे अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आप डेफिनेटली सेहतमंद कहलाएंगे सिर्फ इस चीज़ को आप बैलेंस करें कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है जो लोकल है या ब्रांडेड है इसमें मत पड़े सिर्फ ये देखें कि किस लोकल चीज़ में भी आपको वैरायटी आपकी जो हेल्दी चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ों में मिल रही है दैट्स इट टेक ब्रेक वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा नाजिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि शुगर की वजह से ये जो आंखें बनाई कमज़ोर हो जाती हैं और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं मजीद आँखों के आगे जो है वो धुल्लापन आ जाता है क्लियर नहीं दिखता आँखों में जलन होती है और आँखें किस हद तक मुतासर हो सकती हैं तो इसके ऊपर बात करेंगे हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ख़ान साहब जो कि ऑप्थलोमोलोजिस्ट हैं और आज हमारे पास इसी टॉपिक पर बात करने के लिए असल हवी यू जी थैंक यू फॉर योर टाइम सर मुझे बताइएगा कि डायबिटीज़ में आँखों की बुनाई पर ये जो असर पड़ता है ये कमज़ोर हो जाती है किस हद तक असर पड़ता है देखिए शुगर के सिर्फ़ आँखों की बिनाई पर ही नहीं असर पड़ता इसके आँखों पर छः किस्म के असरात होते हैं अगर आप आई लिफ्ट से शुरू करें तो बार बार आँख की इन्फेक्शन होना स्टाई बनना इसके अलावा नज़र की जो रिफेक्टिव एरर है अगर शुगर का लेवल कम है या ज़्यादा है उसके साथ आँख की नज़र का नंबर या बढ़ जाता है या कम हो जाता है तीसरा आँख में शुगर वाले मरीज़ों में मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है सफ़ेद मोतिया काले मोतिया का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी जो ख़तरनाक किस्म का जो असर है आँख पर शुगर का वो आँख के पर्दे पर डायबिटिक रेटिनोपैथी है जिसकी वजह से आँख के पर्दे पर खून लीक हो जाता है चर्बी लीक हो जाता है पानी आँख के पर्दे के लेयर पर इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से अगर मुनासब वक्त पर और फ़ौरन अगर उसकी तशखीस ना की जाए तो वो हमेशा के लिए अंदे में मुबला कर दे वैसे साहब मुझे बताइएगा ये सिर्फ उन शुगर के पेशेंट्स के साथ होता है जो एहतियात नहीं रखते जो अपने शुगर का कंट्रोल में नहीं रखते या दवाइयाँ सही टाइम पे नहीं लेते या फिर ये जब शुगर किसी को भी हो जाए तो फिर ये आँखें बिनाई का ये प्रॉब्लम जो है मुतासर होना शुरू हो जाती है ये नाइन्टी परसेंट लोगों में होता है जो शुगर कंट्रोल नहीं रखते लेकिन अगर दस साल शुगर किसी को रहे और कंट्रोल भी रहे तो फिर भी चांस होता है कि उनके आँख के पर्दे पर शुगर के असरा होना शुरू हो जाए इसलिए बाकायदगी से मुयना कराना बहुत ज़रूरी है ताकि बर वक्त उसकी तश्ीस हो जाए और उसका बर वक्त इलाज हो जाए और अंधेपन में मुबला होने से बचा जा सके प्रोफेसर साहब काला मोतिया सफ़ेद मोतिया जो है उसके ऑपरेशन या उसके आ, इलाज से पहले जो है शुगर का कंट्रोल में होना क्यों इम्पोर्टेंट है बहुत ज़रूरी है अगर शुगर का कंट्रोल ना रखें और अगर आप ऑपरेशन करा लें तो रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आँख में अगर इन्फेक्शन हो जाए एक मरतबा उसको कंट्रोल हो तो जाती है लेकिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है ज़्यादा चांस ये होता है कि अगर आँख के अंदर ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो नज़र बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है और उमूा लोग अंधेपन का में मुबला हो जाते हैं इसलिए ऑपरेशन से पहले शुगर का कंट्रोल करवाना इंतहा ज़रूरी है सर अगर कोई शुगर का पेशेंट ऐसा है जिसको एनक लगी हुई है वो अपनी जो है शुगर को बहुत कंट्रोल करता है दवाइयाँ भी टाइम पर लेता है अपनी डाइट भी सही लेता है इट्स ऑल बैलेंस तो क्या उसके बावजूद ये आँखों का जो है बार बार टेस्ट करवाना चेकअप करवाना इज़ इम्पॉर्टेंट जिस शख्स को भी शुगर है उसको चाहिए है कि साल में दो मरतबा अपनी आँखों का मुकम्मल मुआयना कराएँ खसूस आँख के पर्दे का क्योंकि आँख के पर्दे पर खून लीक होना आँख में पर्दे पर चर्बी का लीक होना पानी का लीक होना उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होती है पता नहीं चलता फिर एकदम ऐसी स्टेज आती है कि वो इिवर्सबल स्टेज पर पहुंच जाता है इसलिए अगर आप साल में दो मरतबा शुगर का मरीज़ अपनी आँखों का पर्दे का मुआयना कराएगा तो अर्ली स्टेज पर जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस हैं वो पता चल जाती हैं और उनका हम इंजेक्शन लगा के या लेज़र लगा के उनको असरात को ज़ाहल कर सकते हैं और मरीज की नज़र को मुतासर होने से या मरीज़ को अंधेपन में मुबला होने से बचा सकते हैं प्रोफेसर साहब डायबिटीज़ की वजह से जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं उसकी कितनी इकसान हैं कौन कौन सी देखिए सर जैसे मैंने पहले बताया कि आप आई लीड से शुरू करें <coughs> आई लीड में जो बार बार इन्फेक्शन होना अगर किसी को बार बार आई लीड की स्टाई बनती है तो आप उसको जरूरी है कि अपने शुगर टेस्ट कराएँ इन्फेक्शन आई लीड की इन्फेक्शन बड़ी कॉमन है डायबिटीज़ में इसके अलावा नज़र की तब्दील नज़र के आने के में तब्दीली अगर शुगर ज़्यादा है तो नंबर और चेंज हो जाता है अगर शुगर लो हो जाए तो नंबर और चेंज होता है इसलिए बार बार अगर, अगर अप एंड डाउन शुगर होती रहे अच्छी कंट्रोल ना रहे तो ऐसे मरीज़ बार बार अपनी आने तो तब्दील कराने बार बार आते हैं तीसरा इनमें सफ़ेद मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है कैटरेट बहुत वेरी अर्ली स्टेज पर डायबिक में आ जाता है काला मोतिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है और पाँचवा इनमें जो आँख के पर्दे पर जो शुगर के असरात हैं जिसको डायबिटिक रेटनोपैथी कहते हैं उसके अगर असरात हो जाएं और अगर अर्ली स्टेज पर उसका तशखीस और इलाज ना किया जाए तो वो मुस्तकिल अंदर में मबतला कर सकता है शुगर के पेशेंट्स को जो ये धुंधलापन का शिकायत हो जाते हैं काफ़ी उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हैं कि उनको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है वाई दाल अमून धुंधलापन या तो एनक नंबर चेंज हो जाता है बार बार या फिर सफ़ेद मोती आना शुरू हो जाता है ये दो वजूहत होती हैं धुंधलापन आने की वजह अच्छा ये डायबिटिक रेटनोपैथी क्या चीज़ है डॉक्टर साहब ये आँख का जो पर्दा है उसकी दस लेयर हैं टेन लेयर हैं उसकी उसमें खून की रगें हैं आँख के पर्दे में खून की रगें हैं और खून की रगों में जब शुगर के वजह से उनमें में चेंजेज आ जाती हैं और खून की रगों की वॉल लीक करना शुरू कर जाती है और इन आँख की जो लेयर हैं उसमें खून उतरना शुरू हो जाता है लीकेज हो जाती है लिपिड चर्बी लीक होना शुरू हो जाती है फ्लूड लीक होना शुरू हो जाता है और आँख की जो बहुत ही हसास लेर हैं उनको जो नज़र के तलक रखती हैं उसमें वो मुतासर होकर पेशेंट को नज़र आना कम हो जाता है और अल्टीमेटली अगर उसको वक्ती फ़ौर इसका इलाज तश्ीस तो और इलाज ना किया जाए तो वो परमानेंट डैमेज कर देती है और हमेशा के लिए पेशेंट अंधेपन में मबतला हो जाता है ड्राई आई सिंड्रोम का डायबटीज़ से क्या है? ड्राई आईज़ का इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पेशेंट को अमूमा जिनको डायबिटिक है उनको देखा है कि वो फ्रीकुन लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना पड़ते हैं लेकिन ड्राई आई का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है पेशेंट का ड्राई आई डायबिटीज़ के साथ

तो इज दैट ओके टू यू देखें दो किस्म के ड्रॉप्स होते हैं एक में कुछ प्रिजर प्रिजर्वेटिव होते हैं कुछ में और कुछ में नहीं होते बाद लोगों को प्रिजर्वेटिव से भी एलर्जी होती है right. अगर वो प्रिजर्वेटिव से वाले ड्रॉप इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाए तो वो प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप ले लें आजकल तो वैसे ही जो स्मोक की वजह से तो इनको बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ करना चाहिए घंटे दो घंटे बाद क्योंकि ये बेसिकली एक पानी है अब वॉश कर देती है जो केमिकल्स अच्छा। हैं जो इरीटेंट हैं उनको वॉश कर देते हैं मगर प्रोफेसर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये वाले टेयर डालना शुरू कर दें और हम ऐसे आदि हो जाए कि हमारी जो आंख है वो खुद वो जो हमारा औरिजिनल टेयर है वो बनाना छोड़ दें कोई तलक नहीं है

जी, मैं को दक्षर? दक्षर बात कीजिएगा जी पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगे मैं पूछना तकरीबन चालीस साल पैंतालीस पैंतीस साल आज तक तो की बीमारी बन गई है ये ये बच्चों के लिए भी एमके लगी हुई है लेकिन जिसको पहली दफा लगती है कि वो कितने अर्से बाद चेक कराता रहे नजर अपनी जहाँ शीशा उसका वो ऊपर नीचे हो जाए या नजर कमजोर और होनी शुरू हो जाए तो फिर तो कितने हफ्ते बाद वो डॉक्टर को दिखाए फिर अपना अपना चश्मा चेंज करवाए या कोई ऐसी मेडिसिन है जो खाता रहे तो उसकी नजर बढ़कर रहेगी चश्मा भी लगा रहे इसके अगर कर कोई दे तो अच्छा सवाल है वैसे दे सवाल दे दे। ये मैं पहले पूछ चुकी उसका जवाब डॉक्टर साहब ने बताया था डॉक्टर साहब ने कहा था कि आ, अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको तो चेकअप कराना पड़ेगा बार बार और भले वो अपनी डाइट और अपनी चीज़ें दवाइयाँ सब कुछ बैलेंस रखे शुगर बैलेंस रखे तब भी मगर फिर भी आपका जवाब दोबारा हम ले लेते हैं चालीस साल की उम्र पर पहुँचने के बाद उम्र नजदीक ही आने लगती है दूर की भी लग जाती है लेकिन जब एनक लग जाए तो फिर हर छः माह बाद अपनी एनक का नंबर दोबारा चेक कराना चाहिए और उसके साथ अगर शुगर भी है या नहीं है तो फिर भी आँख के पर्दे का ज़रूर मुआयना करना चाहिए क्योंकि बाद दफा शुगर का शुगर की की के मर्ज़ की तशखीस आँख के मायने से होती है जब हम रूटीन में स्पेशलिस्ट आँख के पर्दे का मुआना करते हैं और उनको शुगर के असर नज़र आते हैं तो पेशेंट को बताते हैं कि आपको तो शुगर है अपनी ब्लड शुगर वगैरह चेक कराएँ और अगर शुगर ज्यादा है ब्लड में तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके इसका इलाज कराएं। तो हर छः माह बाद अपनी आँख का मुआइना नजर का और आँख के पर्दे का जरूर कराना चाहिए। अकील अहमद की कॉल है कराची से उनसे भी बात कर लेते हैं असलाकुम सलाम जी।, जी अकील क्या कहेंगे क्या मसला है सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी अकील सोने के बाद सुबह उठते हैं

कि खुदाना खाता किसी कोई और मसला तो नहीं है लेकिन ये अपना यूरिन टेस्ट पहले टेस्ट करा लेग्नोस में आपको क्या लगता है ये क्यों होती क्यों यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूजली अर्ली मॉर्निंग में आई के आईलिट हो जाती है अच्छा हो जाती है बस इसमें ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है खतरे वाली इन्फेक्शन वो देखना पड़ेगा कि खुदाना खाता कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है वो भी रीनल रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराने पड़ेंगे लेकिन इसका बेहतर इनका जो जवाब है वो फिजिशन दे सकते हैं लेकिन मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि यूरिन एग्जा, एग्जामिनेशन कराएं और अपने रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो शुगर की वजह से आँखों की ये कमज़ोरी और आँखें जो उनकी मुतासर हो जाती है इसका शिकार है देखिए पाकिस्तान में जितने भी लोग डायबिटीज़ में मुबला हैं उनमें अट्ठाईस फ़ीसद लोगों में डायबिटिक आँखों पर शुगर के असर आते हैं और हर साल तकरीबन बारह हज़ार से चौबीस हज़ार लोग शुगर की वजह से अंधेपन में मुबतला होते हैं क्योंकि वो अपनी आंखों का बर वक्त मुना नहीं कराते हाँ। नहीं होता और स्टेज पर आते हैं और जिस वक्त किसी के बस में नहीं होता उसका इलाज करना और वो अंधेपन में मुबतला होते हैं। दानिश की राहुल पंडित ऐसी से से पूछते हैं जी क्या कहेंगे दानिश जी, जी दानिश क्या पूछना चाहेंगे रहे, तो नहीं अच्छा सीधी आँख से उनकी पानी निकलता रहता है। एज, एज है एज कितनी है आपकी दानिश उम्र थर्टी तीस थर्टी सिक्स देखिये या तो ये एलर्जी की वजह हो सकता है या कोई अगर आंख सुरख है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है और या आंखों की जो आंसुओं की नालियाँ हैं उसमें जो तो ड्रेनेज में कोई ऑब्सट्रक्शन है उनकी वजह से हो सकती है तो इसको बगैर मायन किए आई लिट को देखे यानी टाइबा को मईयना किए और आँख की, की नालियों का ओपनिंग को मायना किए इस तरह बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या वजह है अगर आँख सुरख नहीं है तो फिर प्रॉब्बली शायद जो नेजल पैसेज की जो नेजल पैसेज है उसमें कोई ऑब्सट्रक्शन है अगर आपकी आंख सुरख है तो फिर या तो एलर्जी है और या फिर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है ठीक है क्योंकि आंख से पानी जो आ रहा है सब कह रहे हैं ये अक्रम कराची की कॉल है अस्सलाम वालेकुम कराची से अक्रम की कॉल है <laughs> जी अक्रम सब क्या कहेंगे जी मुझे पूछना था कि अगर ये

अगर कहा जाएगा मोतिया तो है लेकिन अगर चश्मा पहन के गुंदा नजर नहीं आ रहा है तो उसको तो मोतिया नहीं है क्या है क्या सही अगर मोतिया है और चश्मा पहनकर सही नज़र आ रहा है तो इसको फिर क्या कहेंगे देखें अगर मोतिया है अर्ली स्टेज पर और एनक से नजर सिक्स बाई सिक्स हो रही है या सिक्स बाय नाइन हो रही है तो फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन ये प्रोफेशन पर बड़ा डिपेंड करता है और टाइप ऑफ कैटरेट मोतिया पर बड़ा डिपेंड करता है अगर मोतिया सेंटर में है और आपकी नज़र सिक्स बाय सिक्स भी है लेकिन आप बाय ड्राइवर बाय बैद ऑक्यूपेशन है तो फिर तो वेरी अर्ली स्टेज पर भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है क्योंकि ड्राइवर को जब हाईवे पर जाते हैं और रात के वक़्त जब ड्राइविंग करते वक्त सामने से सा लाइट पड़ती है और सेंटर में मोतिया हो बेशक वो अर्ली स्टेज पर हो लेकिन एकदम ब्लैक आउट हो जाता है तो वो एक ऐसी स्टेज है कि उसमें आपको बेशक नज़र सिक्स बाय सिक्स भी है लेकिन मोतिया सेंटर में है तो फिर तो आपको बरी अर्ली स्टेज पर ऑपरेशन कराना पड़ करवाना चाहिए टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट लेकिन अगर आपका दूसरी तरह का है और जो कॉर्टिकल मोतिया कहते हैं लेकिन आप एन से नज़र बढ़ती है तो फिर आप इंतज़ार कर लें उस वक्त जब तक कि आपकी नज़र सिक्स बाई ट्वेंटी फोर सिक्स बाई एटीन से, से एन के साथ भी नहीं बढ़ती तो आप इंतज़ार कर सकते हैं ठीक है मुल्तान से कॉल है हमारे पास असलकम जी शर्मिला की क्या है

जी ठीक है आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा मैं आपको शो के बाद कॉल कर लेती हूँ फॉर श्योर ठीक है और ये अभी आपको दे 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 से करना था। शायद आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा मैं आपसे बात करती हूँ और ये आपके गुर्दों के बारे में भी बात करवा देती हूँ जी इनके गुर्दों का मसला है गुर्दों का मसला हाँ गुर्दों का भी मसला है तो अब अब आप कोई ऐसी कोई चीज़ बता दें कि जैसे जो गुर्दों के जिनको मसले होते हैं तो वो आँखों के साथ कोई ऐसी अगर उनको कोई ख़दशा कोई चीज़ है तो बता देखें गु, गुर्दों का मसला तो काफ़ी तश्वीशनाक होता है ना कि सिर्फ बारी पूरी बॉडी के लिए और आँख के पर्दे के लिए भी क्योंकि जब गुर्दों में अगर खुदा न खाता किसी को गुर्दों की प्रॉब्लम है कोरिनल फेलियर है तो ऐसे की प्रॉब्लम है तो आंख के पर्दे पर उसके काफी असरा होते हैं पर्दे पर अच्छा शुगर के... बात पे... हमें पता कोई नहीं थी हम तो मैं आपको दी, सीरियस बताऊं मैं तो उस बात को बहुत इजी लेके गुजर रही दी, थी, दी, थी। दी। मगर मुझे अभी पता चला कि अगर गुर्दों की प्रॉब्लम है तो आंखों के पर्दे पे भी बड़ा सीवियर असर जिस तरह शुगर की वजह से आँख के पर्दे पर पानी उतर जाता है लीकेज हो जाती है चर्बी होती है आँख गुर्दों का प्रॉब्लम है और फेलियर में पेशेंट जा रहा है हाँ। तो वो बैक प्रेशर की वजह से आंख के पर्दे पर भी फ्लूड लीक होना शुरू हो जाता है और उनकी फिर जो फसास फसा मैकला है वहाँ पर भी पानी पड़ना शुरू हो जाता अच्छा है तो, तो उस से नजर काफी मुतासर हो जाती है अच्छा अच्छा इसलिए इलाज बहुत जरूरी है गुर्दों का नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें क्योंकि घर बैठ के गुर्दों का इलाज नहीं हो सकता नेफ्रोलॉजिस्ट से जी लाहौर से उनसे भी बात कर लेते हैं जी असल नदीम नदीम की कॉल कट गई है नदीम टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा नदीम टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए हम दूसरी कॉल ले लेते हैं नदीम कोई भी कॉल करे ना तो प्लीज़ ये टीवी का वॉल्यूम बंद करके सलमान की कॉल है डेरा स्मायल से अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहेंगे सलमान जी जी। जी 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 सलमान जी आवाज आ रही क्या आवाज आवाज आपकी क्लियर आ रही है मगर मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही टीवी का वॉल्यूम आपका ऑन है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपकी कॉल जो है हम ज्वाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम में आज हम बात करें कि जो शुगर की वजह से आँखों की बिनाई मुतासर होती है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं एक ब्रेक की बात प्रोफेसर साहब आज हमारे साथ हैं और हमें ये बता रहे हैं कि जो शुगर की वजह से या फिर डायबिटीज़ की जो ऐसे पेशेंट्स जो, जो अपना ख्याल नहीं रखते तो उनकी बिनाई किस हद तक मुतासर हो जाती है और उसकी किस तरीके से ख्याल किया जा सकता है अच्छा मैं एक सवाल करना चाहती थी कुछ लोग ये जानते हुए भी कि उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं इस स्टेज पे पहुंच रही हैं जो कि शुगर के पेशेंट हैं मगर वो इलाज टाइम पर नहीं करवाते उसको फिर वेट करते रहते हैं जैसे तोता पाल रहे हो एंड देन फिर जब एक ऐसा स्टेज आता है जब ज़्यादा मुतासर हो जाती है आँखें तो फिर वो इलाज के लिए जाते हैं फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो फिर तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके बारे में क्या कहेंगे बड़ा सही आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है देखिए अर्लीस्ट इसलिए हम कहते हैं कि हर छः माह बाद आंखों का मुआयना कराएं शुगर वाले अगर अर्ली स्टेज पर शुगर के असरा आँख के पर्दे पर तशखीस हो जाए तो आप लेज़र लगा के या इंजेक्शन लगा के अब तो हुकूमत ने इंजेक्शन की इजाज़त दे दी है वस्तिन की तो वो लगा के चंद हज़ार रुपये में उसका इलाज हो जाता है लेकिन वही अगर मरीज़ अपना बर वक्त इलाज तशखीस के लिए मायने के लिए ना आएँ और बहुत ले दो तीन साल बाद कराएँ तो वो आँख में हेमरेज हो जाता है पूरी आँख में हेमरेज हो जाता है जब हेमरेज सुखड़ता है तो अपना पर्दा भी उखाड़ देता है शुगर वाले मरीज़ों में और उसके इलाज के लिए लाखों रुपए का सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंट ही आते हैं कटर ही जो इस्तेमाल होता है वो हाँ। ही पचास साठ हज़ार रुपये का आता है और प्राइवेट सेक्टर में उसके इलाज के लिए साढ़े तीन लाख से साढ़े पाँच लाख रुपया एक मरीज़ के एक ऑपरेशन का होता है और सरकारी तौर पर भी बेशक हुकूमत पे करे लेकिन एक मरीज़ पर लाख सवा लाख रुपया लग जाता है लेकिन इसके बावजूद जो स्टेज होती है आँख के उसके बाद भी नजर की वापसी का 10 टू 20 परसेंट चांस होता है कि नजर वापसी हो जाए इसलिए लेट एक तो वक़्त गुजरने के साथ ही नजर की वापसी का इम्कान भी कम हाँ। और पैसा भी इस्तेमाल ज्यादा हो जाए नदीम की कॉल है आखिरी जल्दी से अगर कॉल रिसीव कर लेकुम नदीम क्या कहेंगे जल्दी बताना टाइम कम है हमारे पास जी 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 मेरे डॉक्टर मेरी आंखों में ना रेडनिश रेड रेड रहती है लड़की सी ट्रैवल करता बाइक वगैरह पे तो मुझे लोग ये कहते हैं कि आपको ड्रिंक वगैरह करते हैं मैं कह नहीं करता है मेरा ये तकरीबन इसी तरह ही है जवानी से इस तरह मेरी आंखें लाल हो जाती है डॉक्टर साहब आंखें लाल रहती हैं। तो तो है लाल रहती तो जल्दी बता दी जाती है या तो एलर्जी है

करना है मेरी तरफ से मुदाफि कल मिलेंगे आपको अल्लाह हाफिज़